उत्तराखंड में पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देने वाली होम स्टे योजना रंग ला रही है। अल्मोड़ा जनपद में इस योजना के तहत लगभग 350 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने पटिया गांव में चल रहे होम स्टे का जायजा लिया और इसके संचालन की जानकारी ग्रामीणों से ली। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों ने पुरानी शैली में बने अपने भवनों को होम स्टे के स्वरूप में किया है। इस योजना में होम स्टे को पंजीकरण कराने के निर्देश पर्यटन विभाग को दिए गए हैं ताकि इसका लाभ ग्रामीण लोगों को मिल सके। उत्तराखंड में पर्वतीय जिले होम स्टे से जुड़कर स्थानीय युवा स्वरोजगार को अपना रहे हैं, वहीं पर्यटकों को उचित सेवा भी दे रहे हैं, जिससे उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों के लिए लोगों की आजीविका में सुधार आया है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और पहाड़ के गांव से हो रहे पलायन को थामने के लिए उत्तराखंड सरकार ने होम स्टे योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत स्थानीय लोग अपने घरों में पर्यटकों के लिए ग्रामीण परिवेश में किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इन होम स्टे में पर्यटकों को स्थानीय व्यंजन परोसा जाता है और उन्हें यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराया जाता है। हमारे क्षेत्र में अभी तक करीब 5 होम स्टे बन चुके हैं, जिसमें से 2 होम स्टे यहाँ है, तीसरा अभी निर्माणाधीन है। उधर कोटुड़ा में 2-3 होम स्टे उधर चल रहे हैं और यहाँ पर जो है होम स्टे चलाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग जो है ये NMHS है, तो मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज, इनकी वजह से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया गया है और जिससे यहाँ के क्षेत्रवासियों को उन्होंने पहले मोटिवेट किया और उनको समझाया, उसके बाद कुछ लोग तैयार हुए और इनके काम को देखते हुए अभी भी काफी लोग और उत्साहित हो रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में इस ये होम स्टे और हम स्थापित कर करके रोजगार का साधन अपना। ये पाटिया विलेज में हम लोग हैं अभी, यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी के सहयोग से। उसमें सभी जो गांव वाले लोग हैं जिनके पास पुराने घर हैं जो प्राचीन शैली पर बने हैं, वो अपने घरों को रेनोवेट करके होमस्टे का स्वरूप दे रहे हैं। इसमें पर्यटन विभाग के साथ हम लोगों ने इन सभी ग्रामवासियों की बात कराई है, तो इनके होमस्टे योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराए जाने और इनके जो अन्य मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए विभाग को।